ये दरअसल चुंगम वाला पेड़ है यहाँ पे, तो इस पे ना चुंगम होता है ये। सो वेलकम अगेन। तो आज सुबह सुबह ना अपने को जाना है अपनी बुआ को लेने के लिए। आपको ध्यान होगा ना, मैंने पहले एक बार मासो गांव दिखाया था, तो वहाँ से मेरी बुआ आ रही है। तो आज बोला काफल के लिए जाना है, काफल लेने जाना है। तो एक बार मैं बुआ को लेने जा रहा हूँ पहले सुबह सुबह, तो एक बार जल्दी से बुआ को लेने चलते हैं और जल्दी से बुआ को लेकर आते हैं मतलब, और उसके बाद मैं फिर जाना है काफल के लिए। तो आज सब लोग क्या है कि बुआ स्पेशली मतलब काफल के लिए आ रही है, तो मम्मी और पापा सब तैयारी कर रहे हैं काफल की। पर मुझे काफल के लिए नहीं जाना है, मुझे क्या करना है पता है, वो जो छोटी छोटी बकरियां हैं ना उनको चराने के लिए जाना है बोला। बाकी ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया। आज का मौसम देखो, दरअसल धुआं धुआं इसलिए हो रखा है क्योंकि आग लगी है भाई फिर से आज ना। उधर भी आग लगी है, कल यहाँ ऊपर में भी आग लगी थी, तो इसलिए देखो पूरा का पूरा धुआं धुआं भर गया मतलब क्या बोले से। और कुछ हम लोगों के चूल्हे जल रहे हैं तो इसकी वजह से भी धुआं इकट्ठा हो ही जाता है। अभी चलते हैं और सीधा पहले लेकर आते हैं बुआ को ना। उम्मीद तो यह है कि वो पांग से काफ़ी आगे आ गई होंगी, देखते हैं ना जहाँ पर भी मिलते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है यार। गाय बकरी सब वेट कर रही है चरने के लिए जाने का, क्योंकि इस टाइम तक तो यार चली जाती थी मतलब चरना शुरू हो जाती थी और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता 9:30 बजे तक। तो अपनी दो गाय दो बछड़ी और चार छोटे छोटे बकरी कर रखी है, होना चाहिए वैसे। मुझे लगता है ना गाँव में जितने भी लोग रहते हैं, गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, ऐसी चीज़ें होना चाहिए मतलब। अपने को उस चोटी के दूसरी साइड तक जाना है, तो मुझे लगता है यहाँ से 7-7 किलोमीटर चलना है मतलब। तो अभी के टाइम पर घर पे आ गए हैं और बुआ भी आ गई है। बुआ की छोटी लड़की मतलब सबसे छोटी वाली लड़की भी आ गई है, क्या नाम है, खुशी ना, नहीं नंदनी। हाँ तो नंदनी भी आ गई। नंदनी आते ही सबसे पहले केसी, उसे अच्छा लग रहा है भाई केसी के साथ में। ऐसा काफल लेके आते हैं बुआ के लिए ना। तो इनका जा रहा है घुंगेस घासाकू। तो फूफू भी आ गई मतलब, लेने गया था ना बीच में मैं, तो अब जा रहे हैं हम फटाफट से जल्दी से जाएंगे काफल के लिए। तो ऊपर जंगल की तरफ में जाने वाले हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम पंदलू खोली में। तो मैं ये थोड़ी देर में लांगा धारा आने वाला है और हमें जाना है ऊपर में। तो हम क्या करेंगे कि काफल कलेक्ट नहीं करने वाले, हम रहेंगे वहाँ पर जो बकरियाँ हैं उनके साथ में, क्योंकि छोटी को ऊपर ले जाना सही नहीं है, है ना छुटकी? नहीं। पेड़ में चढ़ जाती है? हाँ। अच्छा जो हमारे घर पे है वो। अच्छा हाँ। तो पेड़ बड़ा था या छोटा? बड़ा। अच्छा अपने को कहीं वहाँ पर जाना है, हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं। इस जगह को दरअसल रत्तागाड़ बोला जाता है, कूला सिरवान बोला जाता है, रत्तागाड़ ऊपर में। और ऊपर में पीना खोली हो गया जहाँ पर हम पिछली बार ही जा रखे थे, कहीं वहाँ पर ब्लॉग भी बनाया था हमने। तो काफ़ी बढ़िया, इस साइड में यार आग लगी है अभी कुछ दिन पहले, तो पूरा जल चुका है मतलब। ये देख रहे हो काले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हल्के फुल्के किसी किसी जगह में घास भी उगना शुरू हो गया है क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई है ना इस बारी। तो हमें जाना है वहाँ पर, वहाँ पर चल रही हैं हमारी बकरियाँ, दादी के भी हैं बोला साथ में, तो वहाँ पर जाके करते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, लेकिन ऐसा करते हैं कि हिसर खाते खाते जाते हैं हम। हिसर ये भी तो है, वहाँ कैसे तोड़ पाओगे आप, वहाँ नहीं तोड़ पाओगे। कहाँ पे? तो ये तो कच्चे हैं ना? नहीं पक्के हैं, देख लो। अच्छा पक्के हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। इस सर तोड़ते हैं पहले। नहीं, यम्मी खा लिया। हाँ। आवाज़ कैसे हो रहा है? यम्मी। यम्मी। अच्छा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है मतलब कि पहले यहाँ से थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे से हमारे गांव का पानी पीने का जाता था, लेकिन अभी के टाइम पर मतलब पानी कम हो गया यार, बहुत कम हो गया। तो इस वजह से क्या करते हैं कि ऊपर से जाता है, थोड़ा ऊपर से पानी अच्छा है तो वहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक ना गुफा है दरअसल, तो पहले टाइम पर जब यहाँ पर दिन के टाइम पर जानवरों को लेके आया था तो यहाँ पर खाना खुना बना के इसी जगह पर सोया करते थे दिन के टाइम पर ना, आराम यहाँ पर किया करते थे। और दादी यहाँ पर दिख गई, दादी ने उंगलियां काट दी बोला। नानी का नाम पढ़ना होगा। दादी ने उंगली काट दी, पट्टी बांध रही है। उंगली काट दी।
खून सारी खून हो गई बेटी से तो दिखा दे बाघ ने चार दस थे कटिया नहीं था ये बकरा पर लगाने से मिला आई इनका खचला छीन जाला अच्छा वहाँ पे ऊपर में चलते हैं नहीं मारेगी तो नहीं आराम से चल क्वीन चाहते थे घर में तो तुम्हारी भी है ना बकरियाँ हाँ? कितनी 14 ओनली 14 अच्छा तो वहाँ पे जाना है भाई उस वाले एरिया में काफल है हाँ बता दे काफल है बोल वो कर दे हेलो गाइस करके कर देना हेलो फ्रेंड्स हेलो गाइस वो देखो वहाँ पे काफल है बहुत सारे हाँ तो इस पेड़ पे बहुत सारे काफल है और साथ में हम रुके हैं हम काफल नहीं तोड़ेंगे दरअसल काफल मम्मी और तोड़ेंगे हम सिर्फ हिसल निकालेंगे तो हिसल इस पे इतने सारे हो रखे हैं क्या बोले मतलब वहीं पर है पत्थर मेरे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना अभी तो हिसल देखो भाई हिसल भर भर के हो रखी है यहाँ पे भी इतनी सारी कोई गिनती नहीं है मतलब और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं यार मतलब अभी ऐसा है कि अगर पन्नी लेके आते तो पूरा का पूरा हिसल लेके जाते हैं मतलब भर के पन्नी, उसमें काफल तोड़ेंगे ना ये ले एक गफा मार दे जे ठीक है गफा मार पूरा खा दे की बारी में यहीं पे यहीं पे अभी रुक जा भी मैं भी तो लाऊंगा अपने लिए ठीक है तो मैं भी निकालता हूँ भाई थोड़ा सा और फिर खा के निकालते हैं देख रहे हो कैसे हो रखे हैं मतलब इस पे जैसे अंगूर लटके पड़े हो मतलब अंगूर पीले नहीं होते लेकिन फिर भी ऐसे लग रहे हैं तो यहाँ पर चर रही हैं भाई बकरियाँ और हमारी नई बकरी चराने वाली गुएर आ गई गुएर है बकरी चराने वाली गुएर अच्छा चिंगम खाना चिंगम नहीं चिंगम नहीं खाना देख मैं पेड़ से तोड़ता हूँ देख इसमें है हाँ ये दरअसल चिंगम वाला पेड़ है यहाँ पे तो इस पे ना चिंगम होता है ये देख ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना इनको काफी टाइम तक चबाओ तो च्युइंगम की तरह हो जाते हैं भी फूलते हाँ ओ, तो मैं ये ले वहाँ ले जाऊंगा अपने गांव तब ठीक है निकलना मत हाँ ठीक है ऐसे ही धीरे धीरे चबाते जाना बस अभी पहले वैसा होगा थोड़ा खराब सा फिर सही हो जाएगा फिर बाद में ऐसे ही चबाते रहना बस अच्छा होता है तो हम भी निकालते हैं थोड़े से च्युइंगम और हम भी चबाते हैं फिर ले मीठा हो रहा है ना तो बकरियां चराते हैं साथ में हमने च्युइंगम भी खा लिया भाई जंगली च्युइंगम आ जाएगी वो पापा उस पेड़ में तोड़े हैं काफल और फूफू और मम्मी इस वाले पेड़ में तो ऐसे भरे हैं ना दोनों पेड़ काफलों से बहुत ही भयंकर एक मत्थी में चेक डाल दूँ मत्थी में चेक डाल सेक में पार मत्थी